rage on that beat, going crazy. हेलो गाइज वेलकम टू द चैनल दिस इज टेक्निकोस और आज हम बात करने वाले हैं बजट स्मार्टफोन्स की बेस्ट 5 स्मार्टफोन्स अंडर 20 के 20,000 के अंदर यार 20,000 के अंदर जो है स्मार्टफोन सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि ये जो शाओमी और ये रियलमी वाले हैं इन लोगों ने जो है बवाल ही मचा रखा है 20,000 के अंदर ऐसे ऐसे स्पेक्स और ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं मतलब कि ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल की चीज़ें हमको जो है देखने को मिल जाती है इसके अंदर। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से गाड़ी वाड़ी भी देते हैं शायद। Amazing! That's amazing! Oh my god! Oh my god! Random thought of the day. Oh my god! Wow! और Samsung भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक अपनी लाइनअप लेके आ रहा है और मेड इन इंडिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और 20,000 के अंदर काफ़ी सारे नए और काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेक्स हमको देखने को मिल रहे हैं तीनों कंपनीज में और Nokia में भी। तो आज जो है हम बात करेंगे टॉप 5 की और मैं उनको प्राइस के हिसाब से जो है सॉर्ट करूंगा, पहले प्राइस के हिसाब से आपको बताऊंगा और उसके बाद लास्ट में जो है मैं आपको रैंकिंग करके दूंगा। तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो। तो सबसे पहला अपना आ जाता है Redmi Note 8। तो बात करते हैं Redmi Note 8 के डिस्प्ले की। 6.3 इंच की इसकी फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ जो हमको एलसीडी डिस्प्ले मिलती है। क्वाड कैमरा सेटअप जो हमको देखने के लिए मिल जाता है जिसमें 48 मेगापिक्सल का हमारा प्राइमरी सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ मिल जाता है हमको और 1-2 मेगापिक्सल का और मिलता है पता नहीं क्यों। 13 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैम मिल जाता है हमको। तो स्नैपड्रैगन 665 हमको देखने के लिए मिल जाता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ और 4GB रैम और 64GB जो है इंटरनल स्टोरेज हमको देखने के लिए मिल जाती है। 11,500 यानी कि 11,500 से जो है इसका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है Redmi Note 8 का, जो कि बहुत ही कम है जिस हिसाब से इसके स्पेक्स हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं Realme 6 की। तो Realme 6 में हमको देखने को मिल जाती है 6.5 इंच फुल एचडी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले और क्वाड कैमरा सेटअप जो है हमको देखने को मिल जाता है इसमें। 64 मेगापिक्सल का जो इसका प्राइमरी सेटअप है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल के सेंसर हैं इसमें और 16 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैम हमको देखने के लिए मिल जाता है। मीडियाटेक का हीलियो G90T जो है हमको चिपसेट इसमें देखने को मिल जाता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 क्वाड प्रोसेसर जो है इसमें लगे हुए हैं और 4GB की जो है इसका रैम है और 64GB की इसकी इंटरनल स्टोरेज है। स्क्रीन पे जो है प्रोटेक्शन के लिए हमको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 3। ओवरऑल बिल्ड जो है वो हमको प्लास्टिक में मिल जाती है, बैक भी जो है वो इसकी प्लास्टिक है बट फिनिश जो इसकी आती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल लगता नहीं ऐसे कि प्लास्टिक है। 4300 mAh यानी कि 4300 mAh की हमको जो है बैटरी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बड़ी बैटरी है ये और उसके साथ हमको जो है VOOC चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। 30 वाट का जो है चार्जर मिल जाता है इसके साथ। Realme 6 जो है वो हमको स्टार्टिंग प्राइस जो इसका मिल जाता है वो मिल जाता है अराउंड 14,000 पे, 14,000 के अराउंड इसका जो है हमको स्टार्टिंग प्राइस मिल जाता है। और Realme 6 के बाद आता है Realme X2 Pro, नहीं सिर्फ X2। बात करते हैं Realme X2 के डिज़ाइन की। तो 6.4 इंच की फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमको देखने के लिए मिल जाती है। ग्लास सैंडविच डिज़ाइन मिल जाता है, मतलब कि फ्रंट और बैक दोनों तरफ ग्लास है। फ्रंट पे गोरिल्ला 5 ग्लास है और बैक पे गोरिल्ला 3 ग्लास है। चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 730G मिल जाता है हमको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ, 4GB रैम, 64GB इंटरनल। कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो क्वाड कैम सेटअप हमको देखने के लिए मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 1-2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा। 4000 mAh की बैटरी जो हमको देखने के लिए मिल जाती है और उसके साथ हमको मिल जाता है 30 वाट का VOOC चार्जर। अब Realme X2 के बाद बात कर लेते हैं Samsung A50s की। डिस्प्ले की अगर हम बात करें सैमसंग A50s की तो 6.4 इंच की जो है हमें फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और सैमसंग की डिस्प्ले तो आपको पता ही है यार कितनी मस्त होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो सुपर AMOLED है। तो इसके साथ हमको मिलता है एक ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, ट्रिपल कैमरा सेटअप हमको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का जो है हमारा प्राइमरी सेंसर होता है जो 4x डिजिटल जूम के साथ आता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो है हमको देखने के लिए मिल जाता है, और साथ में 32 मेगापिक्सल का जो है हमें फ्रंट कैम देखने के लिए मिल जाता है। इसमें प्लास्टिक बिल्ड में जो है हमको मिल जाता है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मिल जाता है हमको एक्सेनोस 9611 जो कि सैमसंग का खुद का एक जो है चिपसेट है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर इसके साथ हमको मिल जाता है, और 4GB रैम और 128GB की जो है इंटरनल स्टोरेज के साथ हमको ये मिलता है। 4000 mAh की बैटरी जो हमें देखने के लिए मिल जाती है 15W फास्ट चार्ज के साथ, जो कि इस टाइम के हिसाब से ऐसे फास्ट तो नहीं है, पर ठीक है जो कंपनी कह रही है मान लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोको X2। तो आ जाते हैं हम पोको X2 की डिस्प्ले पे। 6.7 इंच की इसकी फुल HD LCD डिस्प्ले है 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ। क्वाड कैम सेटअप जो है वो हमको इसमें मिल जाता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा, पता नहीं क्यों। स्नैपड्रैगन 730G का जो है चिपसेट इसके अंदर आता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ, और इसमें 6GB रैम और 128GB की जो है इंटरनल स्टोरेज हमको प्रोवाइडेड होती है। बिल्ड की अगर मैं बात करूं तो हमको जो है ग्लास सैंडविच डिज़ाइन मिल जाता है, जिसका मतलब कि फ्रंट और बैक दोनों साइड जो है गोरिल्ला ग्लास की हमको जो प्रोटेक्शन मिल जाती है। 4500 mAh की जो है हमें बैटरी मिलती है 4500 mAh की, और 27W का जो है हमको उसके साथ फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि काफ़ी सही है यार। अगर रैंकिंग पे अगर हम आए तो सबसे पहला जो फ़ोन आता है नंबर 5 पे वो आता है रेडमी नोट 8। उसके हाई पॉइंट्स, उसके अंदर है MediaTek G90T, काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर उसके हिसाब से। क्वाड कैमरा सेटअप हमको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ। और अगर मैं लो पॉइंट की उसकी बात करूं तो सेल्फी कैमरा उसका बहुत ही ज़्यादा कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है। 4000 mAh मतलब 4000 mAh की बैटरी हमको मिलती है, लेकिन 15W के फास्ट चार्जर के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है आज के टाइम से अगर हम देखें तो। और एक जो मेन सबसे बड़ा लो पॉइंट है उसका वो ये है कि रेडमी ज़्यादा अपडेट्स नहीं प्रोवाइड करता अपने बजट फ़ोन्स में, और ये 1 साल पुराना अराउंड फ़ोन है, कोई गारंटी नहीं है अपडेट्स की। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए ये सबसे जो है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे हमारा आ जाता है सैमसंग A50s। हाई पॉइंट्स, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और ट्रिपल कैमरा सेटअप। जो मेन हाईलाइट पॉइंट है इसका और वो है सुपर AMOLED डिस्प्ले, और सुपर AMOLED डिस्प्ले की वजह से हमको इसमें देखने के लिए मिल जाता है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर। लो पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो लो पॉइंट होएगा कि 4000 mAh की इसकी बैटरी है, लेकिन उसके साथ हमको सिर्फ जो है 15W का एक फास्ट चार्जर मिलता है। तो 3rd पे हमारा आ जाता है Realme X2। Realme X2 में हमको स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक हाई पॉइंट है उसका, और क्वाड कैमरा सेटअप हमको देखने के लिए मिल जाता है 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ, वो भी एक अच्छा हाई पॉइंट है। 4000 mAh की जो है इसकी बैटरी मिल जाती है हमको 30W VOOC चार्ज के साथ, और ये भी एक अच्छा हाई पॉइंट है। लो पॉइंट इसका सिर्फ मैं यही कहूँगा कि पुराना फ़ोन है तो अपडेट्स की कोई गारंटी नहीं है, और फ्रंट कैमरा जो है वो बेटर हो सकता था शायद और थोड़ा सा। 2nd पे हमारा आ जाता है Realme 6। Realme 6 में हमको चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है मीडियाटेक का हीलियो G90T हाई पॉइंट, और बाकी के हाई पॉइंट्स ये हैं कि 90 Hz का जो है रिफ्रेश रेट हमको मिल जाता है स्क्रीन में देखने के लिए, 6.5 इंच की डिस्प्ले के साथ। LCD डिस्प्ले है लेकिन 90 Hz इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छी बात है। क्वाड कैम सेटअप हमको देखने के लिए मिल जाता है 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ, और 4300 mAh की जो है बैटरी हमको मिल जाती है 30W VOOC चार्ज के साथ। नहीं सीरियसली अच्छा फ़ोन है। और जो 1st पोजीशन पे जो आता है हमारा फ़ोन वो है पोको X2। 6.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है हमको IPS LCD की, और 120 Hz जो है हमको उसमें रिफ्रेश रेट मिल जाता है, मतलब कि आप उंगली लगाओ उससे पहले ही जो है फ़ोन चलना चालू हो जाएगा, आगे पीछे दौड़ने लग जाएगा। स्नैपड्रैगन 730G जो है हमको इसमें चिपसेट मिल जाता है और उसके साथ क्वाड कैमरा सेटअप वही 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ। इसके बेस वर्जन में ही जो है 6 GB रैम आती है और 128 GB की जो आपको स्टोरेज मिलती है। उसके साथ 4500 mAh की जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है बैटरी मिल जाती है 27 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को और यहीं मिलेंगे हम आपसे 2 या 4 दिन बाद, जितना भी टाइम वीडियो एडिट करने में लगे। वीडियो अगर पसंद आए ना तो सब्सक्राइब करो, कर देना। नीचे रेड कलर का बटन होएगा और उसके साइड में बेल जैसा आइकन होएगा, वो भी दबा देना ताकि यूट्यूब बताता रहेगी ना मैंने वीडियो डाल दी है, ताकि आप देख सको सबसे पहले।